मेरा जो वीज़ा है 6 मंथ का है। मैं बेसिकली यार जॉब के हवाले से आया हूँ यहाँ पर, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग। वीज़ा कैसे आपने अप्लाई मैं किया? वही किसी को यार, पैसे नहीं दिया? किसी को पैसे नहीं दिए यार, जो कुछ करना है ना सब कुछ खुद करना है आपने। सर पहले तो आप ये बताएं आपका नाम क्या? मेरा नाम ताहिर है, ताहिर नाम। माशाल्लाह से। और कितने दिन हुए आपको जर्मनी में आए? मुझे 1 दिन ही हुआ है यार, मैं कल आया हूँ यहाँ। और किस चक्कर में आए? मैं बेसिकली यार जॉब के हवाले से आया हूँ यहाँ पर। सही है, जॉब सीकर वीजे पे। जी तो आपको क्या उम्मीदें हैं जर्मनी से? यार, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार यहाँ से मैं जॉब एक्चुअली गेन करके जाऊँगा इंशाल्लाह। और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? मेरी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग की है। ओके। और कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? मेरा है 7 to 8 years से IT में। और कोई अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरी अच्छी कंपनी का भी एक्सपीरियंस है। मैंने पाकिस्तान में वेरियस जगह पे अप्लाई किया था यहाँ से बैठ के, तो काफ़ी जगह से मुझे रिस्पॉन्सेज आए थे ना, उन्हीं रिस्पॉन्सेज की बेसिस से मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे जाना चाहिए जर्मनी। बेसिकली मेरे पास अभी तो वैसे मेरे पास 1 साल का भी टाइम है। मेरा जो वीज़ा है 6 मंथ का है, लेकिन 1 साल तक का मेरे पास टाइम है। एक हाँ, साल एक्सटेंड कर सकते हैं आप जी, 6 महीने लेकिन तक इसमें आराम हो पॉसिबल है कि जाएगा। मैं कोई और जॉब नहीं कर सकता यार, ये बहुत मेरे लिए डिसहार्टिंग पॉइंट है। किस तरह से और जॉब नहीं कर यानी कि सकते? वो इस वीज़े पे ना अलाउ नहीं है कि आप कोई जॉब, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह नहीं, वो तो कर ही नहीं इसमें। सकते क्योंकि हाँ उसमें तो एक लिमिट है ना, 43,000 यूरो हाँ 43,000 ग्रॉस यूरो सैलरी आपको साल की मिलनी चाहिए। हाँ, तब जो है उससे वो कम पे आपको ये वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं करेंगे। एक्सटेंड ही नहीं करेंगे। सही बात लेकिन आपको एक और बात मजे की बताऊं कि जी यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, जी जी फ्रेश ये जर्मनी में ना बहुत सारी स्टेट्स हैं, और हर स्टेट जो है ना इसको कहते हैं फ्रेश स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये ना इनका अपना कानून है, तकरीबन जी हर एक स्टेट का अपना कानून है। ठीक तो है हर जी स्टेट में जो सैलरी है ना, जो मिनिमम लेवल थ्रेश होल्ड है, जी वो कहीं पे जो 43,000 आपने सुना है, ये बर्लिन वाली साइड पे, अच्छा 43 से बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली है। और दूसरी जो स्टेटों हैं वहाँ पे आपको कम पे भी जो है वो वीज़ा एक्सटेंड कर वीज़ा देंगे। एक्सटेंड कर देंगे यार, ये कुछ लेकिन आप गलत जॉब कैसे फाइंड करेंगे? जी चले, ये है। तो बहुत हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यार, वो जॉब्स के लिए ना मैंने बेसिकली, हमारे पास कुछ पोर्टल, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो इंडीड का है। ठीक है, इंडीड जो इंडीड है, है, इंडीड है और लिंक्डइन लिंक्डइन है बहुत। है, और इसमें एक मॉन्स्टर एप्लीकेशन है, मॉन्स्टर, हाँ, और कौन सी है, स्टेपस्टोन, स्टेपस्टोन भी है, बिल्कुल स्टेपस्टोन भी है। सही है। लेकिन आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ढूंढेंगे? नहीं, मैं जर्मन भी ढूंढूंगा, मेरी जर्मन थोड़ी बहुत मैं वहां से सीख के आया हूँ, कितनी मैं A1 तक सीख के आया हूँ। A1 में आप मतलब ये हाल हो या इस तरह कर आप जी थोड़ा बहुत कर लेते हैं? बिल्कुल। सही है। अभी मैं यार साथ साथ कोर्स भी कर रहा हूँ, इसके साथ मैंने A2 भी शुरू हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ कि छोटी मोटी जॉब, क्योंकि बर्लिन से मुझे ऑफर आई थी जॉब की, तो मैं वहीं जा रहा हूँ उसी सिलसिले में यार। बर्लिन अभी ना, बर्लिन जा रहे हैं बर्लिन जा रहा हूँ मैं बेसिकली। तो आपको, हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। वीजा कैसे आपने अप्लाई किया था? यार बेसिकली जो मैंने वीज़ा जो मैंने अप्लाई किया है ना, वो सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है हमें भाई, किसी को पैसे नहीं दिया आपने, किसी को पैसे नहीं दिए, खुद किया किसी सब को कुछ? पैसे नहीं देने आपने, सबसे पहली तो बात ये है। ठीक है, और यार जो कुछ करना है ना सब कुछ खुद करना है आपने, सब कुछ आपने। शुरू से और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता यार सकते, शुरू से अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत सारे जो है ना मतलब स्टेप्स हैं। थोड़ा इन शॉर्ट आप हाँ, बताएं मैं कि भाई शॉर्ट बता होता देता हूँ, लेकिन कैसे? सबसे पहले जो है ना जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको अपनी डिग्री जो है जर्मन से एक इंस्टीट्यूट है जैप से आपको ट्रांसलेट करवाते हैं? अटेस्टेड करवानी होती है। ठीक है, उसमें आपको 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 3 महीने जब आप उसको लगेंगे, 3 महीने जब आप उसकी डिग्री लग जाएगी, तो फिर आपने इस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है, अपनी डिग्री अच्छी सी वेरीफाई करवानी हो, सारे स्टेप करके आपने एम्बेसी पहुँचना है। एम्बेसी पहुँचने के बाद वो फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे ऑनलाइन, बल्कि अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन बुक करवा रहे हैं, जब एम्बेसी यहाँ पहुँचेंगे, एम्बेसी में जो है ना वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी वेरीफाई करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू की डेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हाँ पता चल जाएगा 1 महीने तक आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई और इतना। इसमें हाँ, आपको कोई ब्लॉक अकाउंट वगैरह कुछ चाहिए था? इसमें ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कितना? इसमें ब्लॉक अमाउंट होती है, एग्रीमेंट जो है ये है 5,600, जो कि आपको बोरोस? हर महीने आधे आधे मिलते रहेंगे वापस, तो अभी आपका ब्लैक अकाउंट ब्लॉक बना हुआ? अकाउंट है जी। लेकिन अभी जो नया कानून जो आया ना, चांसन काटे जिसे कहते हैं, हाँ, उसमें आपको ब्लॉक अमाउंट की नीड नहीं है। उसमें आप ये है कि अगर आप फील्ड अपनी चेंज भी कर सकते हैं, और बहुत आसानी है उसमें, वो अभी 31 मार्च को जो है यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा, इसकी डेट अनाउंसमेंट होगी हाँ, जी। चांस अनकारते हैं यार। लेकिन आपको कितने फीसद उम्मीद है कि आप जर्मनी में अभी कितने दिनों में या कितने महीनों में या यार का जॉब इंशाल्लाह हासिल कर मुझे उम्मीद है, मैं कल यहाँ आया हूँ और मुझे आज इंटरव्यू की लेंगे? कॉल आई है।
लेकिन नहीं यहाँ हाँ, ऐसी बात। क्योंकि ऐसी बेसिकली मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा था, तो मैं प्रोसेस में था, मैं सारी चीज़ें भेजी थी, तो उस वजह से मैंने कहा यार कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ एक्चुअल कर लूँगा। तो मुस्तकबिल में कितनी परसेंट उम्मीदें हैं कि आप जर्मनी में सेटल हो जाएंगे? यार इंशाल्लाह अभी तो आए हुए 2 दिन ही हूँ मुझे यहाँ पर हुए हैं, कोई यानी कि 50-50% चांसेस हैं मेरे। और कैसा लगा आपको जर्मनी? तो यार जर्मनी अच्छा लगा है, बस अभी तो मैं अपने कज़न के पास आया हुआ था, ही इज़ ए स्टूडेंट, वहाँ रह रहा था, लेकिन अभी मुझे जॉब की ऑफर जब आए तो मैं अभी जर्मनी बर्लिन जा रहा हूँ यहाँ से। तो आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू कर सकते हो, ऑनलाइन भी इंटरव्यू था, हाँ मैंने उनको ऑनलाइन दिए थे 2 इंटरव्यूज ना, तो उनका तो क्या उन्होंने रहा? कहा यार आप यार जर्मनी, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हमें एक एक मीटिंग फिजिकली हो जाए, लेकिन उन्होंने ईमेल में लिखा था कि फिजिकली आप आ जाएं, लेकिन हमारी आप कंफर्मेशन जब तक मिलने के बाद होगी। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, बर्लिन और भी जगह इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैंने कहा चला जाता हूँ बर्लिन। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स है मेरी पाकिस्तान बैचलर्स, से? जी, पाकिस्तान से। बैचलर्स में आपने यहाँ पे, आपको एक बात बताया कि पाकिस्तान की बैचलर्स यहाँ पे इंटर काउंट की जाती है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे पढ़ने का रहता है आपका? आगे पढ़ने का यार अभी तो फिलहाल तो यार जॉब का इरादा है, आगे पढ़ने का अच्छा तो जॉब। नहीं है इरादा। अच्छा पाकिस्तान में जॉब आपने क्यों नहीं करी, सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान में मैं जॉब करता था, मैं तो ऑलरेडी जॉब छोड़ के आ रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं, पाकिस्तान आपने रुकने को तरजीह क्यों नहीं दी? यार बेसिकली पाकिस्तान में आपको पता है कि हालात हमारी जो बहुत है खराब हालात जो है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार, अच्छा हालात खराब है, हालात खराब हैं, एक्सपेंसिव दिन ब दिन हो रहे हैं, और आपको ये चीज़ सबका बताओ प्रोग्राम बढ़ गया है। देखें, हाँ बस ये, और देखें जो वहाँ पर हैं गवर्नमेंट पर्सन या कोई अच्छे पोस्ट पे हो तो वही सिर्फ कामयाब है वहाँ पर।